इनिशिएटिव है रोड सेफ्टी कैंपेन समाज को जागरूक करने का. आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर सतीश सिंगला इंचार्ज ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर टू गिव बेसिक इनपुट अबाउट दिस रोड सेफ्टी प्रोग्राम. प्यारे बच्चों, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? महाविद्यालय के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से ये प्रचार क्यों किया जा रहा है? आपको एक डाटा में देता हूँ ऑफिशियल. जितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें 70% जो है वो युवा शामिल हैं. रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना, ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, मोबाइल का प्रयोग करना गाड़ी चलाते हुए. जो हमारे महाविद्यालय में ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन क्लब स्थापित किया गया है, NSS की दो यूनिट्स हैं, वो भी इसी प्रकार की एक्टिविटी कर रही हैं, रोड सेफ्टी क्लब है कॉलेज के अंदर, सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उन सब का मकसद एक ही है, वो है युवाओं को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करना. एक डाटा के अनुसार 2006 का डाटा मैं आपको देता हूँ स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से, 10,314 एक्सीडेंट हुए, 10,314, जिसमें से नंबर ऑफ डेथ थी 4,012 और 9,000 से अधिक लोग इंजर्ड हुए. और जून 2020 फर्स्ट सिक्स मंथ का डाटा है, उसमें 4,000 एक्सीडेंट हुए और 1854 डेथ हुई है. ये वो डाटा है जो रिपोर्ट होता है थाने वगैरह के थ्रू, और जो रिपोर्ट नहीं होता उसका हम कह नहीं सकते हैं. तो प्यारे विद्यार्थियों, अधिक समय ना लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम की महत्ता को समझें और अपने समाज में, घर में, अड़ोस पड़ोस जहां पर भी जाए, आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में अपने भाई बहन सबको आप अच्छे से बताएं. इतना अगर आप योगदान देते हैं तो आपकी आज की उपस्थिति सार्थक सिद्ध होगी. थैंक यू. आज हमारे बीच प्रेजेंट हैं सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू गाइड यंग ब्लड ऑफ दिस कॉलेज. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी रिस्पेक्टिव डॉक्टर सुनील कुमार जी से कि वो मंच पर आए और युवाओं का मार्गदर्शन करें. जब देश आजाद हुआ था तो लगभग 10-12% ऑर्गेनाइजेशन था, आज ऑर्गेनाइजेशन नियर 50% है. ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ रोडों का नेटवर्क बढ़ा, अर्बन सेटलमेंट बढ़े, मोटर व्हीकल की डेंसिटी बढ़ी, मोटर व्हीकल के नंबर बढ़े. इसको कहते हैं हम डेवलपमेंट के साथ डिजास्टर का नया प्रकोप जो आया वो है रोड एक्सीडेंट. और पहले डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ एक पैथेटिक मिक्सर आ गया टेक्नोलॉजी. आज मोबाइल है, मोबाइल का यूज होता है इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल करना, लेकिन कभी कभी रॉन्ग टाइम पे इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल कराना है वो डेंजरस होता है. एज ए ह्यूमैनिटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव गुड रोड कंडीशन एंड गिव गुड रोड इकोसिस्टम टू अवर यूथ. सेव लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव अनदर डे, आई वॉन्ट टू लिव अनदर डे, दैट इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि मैं आपके सामने कुछ डाटा बोल रहा हूँ, डाटा का पर्पज ये है कि आप उसकी एनालिसिस करें. हर चार मिनट में एक रोड एक्सीडेंट के कारण डेथ. पूरे वर्ष में भारत में 1.5 लाख रोड डेथ, 5 लाख रोड एक्सीडेंट है. ये डाटा अंडर एस्टिमेट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी रियल डाटा को देखने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है. अगर आप विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी के एस्टिमेट मानो तो जो रोड एक्सीडेंट के डाटा है उनसे 15-20 टाइप इंजरी ज़्यादा है. तो एनालिसिस इसको 5 लाख का है, लेकिन एक्चुअल में ये 15 लाख है. रोड सेफ्टी, रोड दुर्घटना को रोकने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं बना सकते. कोरोना, अगर आप कोरोना जैसी बीमारी ने देश को 60 दिनों के लिए बंद कर दिया और ह्यूमनिटी के पेस को रोक दिया, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो चाहे सोशल फ्रंट हो, लेकिन अगर आप उस डेथ को एनालिसिस करोगे जिसमें हम अगर क्रिटिकल इल लोगों को छोड़े तो स्टिल रोड एक्सीडेंट इज मोर सीवियर देन कोरोना डेथ. रोड एक्सीडेंट इज मोर सीवियर देन कोरोना डेथ, बट इट हैपन इन डिफरेंट पार्ट एज ए फ्रेगमेंटेड वे. 6 से 9 बजे के बीच में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं इंडिया में. अगर यही स्टैटिस्टिक्स हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब में वीकेंड हॉलीडे होता है सैटरडे संडे. सैटरडे संडे को पूरा इटली, जर्मनी, स्पेन, डिफरेंट हिल स्टेशन के सेलिब्रेशन करने के लिए उनके यूथ निकल जाते हैं, और ये कंट्री अपने पोटेंशियल यूथ को इस समय खो रही होती है. तो ये भी एक हमारे लिए एनालिसिस का विषय है, क्योंकि आप लोग किसी के बहन हो, आपके भाई रात को रोड पे होते हैं इस समय, कई टीचर उनके बच्चे रोड पे होते हैं, तो वो टाइम काफ़ी डेंजरस है. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनको इस समय की क्रिटिकलिटी हम बता सकें. क्योंकि एज ए स्टैटिस्टिशियन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल दैट दिस इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स. ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं आप ड्राइवर हो, आप ड्राइवर नहीं,
आप एक काम चलाओ ड्राइवर को जो थोड़ी दूर ले जा सकते हैं। अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया और वो मान गए कि वो एक्सपर्ट ड्राइवर है तो ये आपकी गलत फहमी है। न मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, न आपके टीचर एक्सपर्ट ड्राइवर, न आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट ड्राइवर की मस्ट ट्रेनिंग है वो किसी ने नहीं की होती। रोड पे आप एक्सपर्ट अगर मान लो तो अदर एक्सपर्ट नहीं, रोड पे सबके लिए ना, सामने वाला ड्राइवर गलत हो सकता है, वेदर कंडीशन गलत हो सकती है, इस फोगी कंडीशन, ये फोगी कंडीशन है साउथ इंडिया में नहीं है, लेकिन क्या इन दो इंडिया में डिफरेंट टेस्ट है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए? नहीं। अगर चेन्नई में वहाँ फोगी कंडीशन नहीं मेंटेन होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो जो 32 से 35 डे की फोगी कंडीशन होती है उसमें रोड एक्सीडेंट है उसकी इंटेंसिटी 4-5 टाइम ज्यादा होती है। यूथ है वो स्पीड से लव करता है, लेकिन आप लव स्पीड को ग्राउंड नहीं करो ना, या दौड़ते समय करो या अपनी एनर्जी यूज करो, लेकिन रोड है काफी डेंजरस, वहां स्पीड से लव मत करो। टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी, न्यू इनोवेशन आएंगे, आपको बोल के सब कुछ डिलीवर करना आएगा, लेकिन रोड पे चलते वैसा नहीं करें। रोड पे चलते हुए टेक्नोलॉजी पे इंटरवेंशन इनोवेशन यूज कम से कम करें, रोड पे चलते हुए डिसिप्लिन चले। पुलिस प्रशासन का पुनः धन्यवाद करता हूँ। मैडम अगर बच्चों के कोई भी सुझाव हो रोड सेफ्टी से रिलेटेड तो ट्रैफिक एंड सेक्रेटरीट के दोनों उन सुझाव को तहे दिल से लेने के लिए तैयार है, और जो भी सुझाव उनके बेस पे हम काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर इन्हीं की डिमांड होगी तो हम भी कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Now I would invite respected Vikas Haryanvi ji to present Ravani or road safety awareness. सभी को नमस्कार। पहले मैं RTA हिसार डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूँ। RTA हिसार की तरफ से हमारी एक मुहिम है, हमने 2-3 हरियाणवी गीत हरियाणवी रागनियाँ तैयार की हैं रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, ताकि जागरूकता आए। हेलमेट जरूरी क्यों है? एक लाइन लिखी थी मैंने सोशल मीडिया पे, ऑलवेज वियर हेलमेट बिकॉज योर फादर इज नॉट लॉर्ड शिवा। हेलमेट पहनिए, शिवजी भगवान नहीं आपके पिताजी, कि वो आपका हेड ट्रांसप्लांट कर देंगे, आपका फेस ट्रांसप्लांट कर देंगे। उन्हें हरियाणवी कविता है, सुनिए। कैसा ये दौर है, कैसा ये दौर है, चलते फिरते भागते दौड़ते आदमी चारों ओर है, कैसा ये दौर है। सड़क के अनुसार नहीं स्पीड मोटर कारा की, दुर्घटना में जान जावत देश में कई हजारा की, बिन आई मरने की क्या बड़ाई बोर है, चलते फिरते भागते दौड़ते आदमी चारों ओर है। जल्दी जल्दी दौड़ लगा मैं हवा में उड़ाव कारा ने, रोड के ऊपर करे लड़ाई कट्ठे कर ली यार ने, लेट चल तेज चलाव जल्दी आने जाने की, ओढ़ लाग रही दुनिया में आज सबसे ज्यादा पैसा कमाने की, ये दुनिया बिना पतंग की डोर है, चलते फिरते भागते दौड़ते आदमी चारों ओर है। अच्छा आपने कोऑपरेट किया, इन चीजों को समझा, मैं इसके लिए बड़ा आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं इंस्पेक्टर दौलत राम जी जो डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंचार्ज हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि मंच पर आकर छात्राओं का मार्गदर्शन करें। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए वोमेन कॉलेज की प्रिंसिपल आशा जी, हमारे RTA साहब सुनील जी डाका, सतीश जी, विकास जी, सुनील जी सर जी, तमाम छात्रों छात्राओं, जैसा कि आपने सभी वक्ताओं उसके मुखारविंद से एक ही टॉपिक पर बात सुनी है कि हमें रोड सेफ्टी को बनाए रखने के लिए क्या क्या आयाम और क्या क्या पैनल अपनाने होंगे। हेलमेट ना लगाने की एवज में एक्सीडेंट होने के पश्चात उनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है, इतने तक उम्मीद रहती है कि वो 2-4 घंटा डॉक्टर के पास जाकर के वो उस पर मशीन पर लगा देते हैं और शीशे की मशीन में घरवालों को ये आश्वासन देते रहेंगे जल्दी से जल्दी 2,000 रुपए जमा कराओ और बच्चा अभी रिकवरी करने वाला है, वो रिकवरी सिर्फ डॉक्टरों की हो रही है, आपके बच्चों की नहीं होगी। तो इसलिए आप अपना हेलमेट लगाना बहुत ही जरूरी समझे, पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपने बचाव के लिए। अभिभावकों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जगह जगह जाता हूँ तो उनके माँ बाप बच्चों के जो है उनका भी एक फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को कोई व्हीकल देने से पहले सबसे पहले वो इस बात का ध्यान करें कि क्या बच्चा पूरे पैटर्न के साथ गाड़ी ड्राइव करने के लिए तैयार है या नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ RTA साहब का, कॉलेज प्रशासन का, साथी लोगों का, प्रदेश वार्ताकार और मेरे भाई विकास जी ने जो बहुत बढ़िया एक रागनी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो बात बताई, सभी का आभार, धन्यवाद, जय हिंद। अभी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है वन एक्ट प्ले ऑन रोड सेफ्टी अवेयरनेस एंड ट्रैफिक रूल्स। मैं बुलाना चाहूंगी कॉलेज की बहुत ही टैलेंटेड यंग स्टूडेंट्स जो कि NSS वॉलंटियर भी हैं कि वो अपना वन एक्ट प्ले प्रेजेंट करें।
अयो रामा, बहुत प्रॉब्लम जी, बहुत प्रॉब्लम। मेरा छोटा छोटा बच्चा जी। अयो, अब आप सब पूछेंगे मैं कौन, इधर कैसे। मैं यमदूत जी, यमदूत। मेरे को इधर यमराज जी ने टेम्परेरी बेसिस पे काम पे रखा जी। अयो, क्या करूं, उधर यमराज जी को नेचुरल डेथ वालों से फुर्सत नहीं मिलता, और इधर ऊपर से नीचे नीचे से हर रोज रोड एक्सीडेंट आता। आपको मालूम अपने इंडिया में हर रोज एक घंटे में 55 रोड केसेस आते, जिसमें से 17 लोगों की मौत होती। अयो, मैं कल जिनको नीचे से ऊपर लेके आया था वो किधर गया जी। ए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होता तो आप शायद बच
तभी तुम्हारा जान गया ना। बॉस कहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अरे शराब पी के तो गाड़ी मत चलाओ ना यार। इनका तो समझ में आता है मगर मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मेरी तो कश्ती डूबी वहाँ, खा रहा था जुबा केसरी जहाँ। जुबा केसरी नहीं, जुबा केसरी। अरे तुम तो वैसे भी कैंसर से मरने ही वाले थे, ऊपर से तुम सड़क पार करते टाइम अगर फोन पे बात कर रहे थे इसलिए तुम यहाँ पर जल्दी आ गए। अरे मोबाइल पर स्क्रैच ना पड़े इस वजह से तुम कवर लगाते हो, गाड़ी में अच्छे से अच्छा ऑयल डालते हो पर अपने शरीर में कुछ भी डालते हो। आप सबको पता है इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये इसी ने ही जब अपने गुटके को रोड पर फेंका तो बाइक वाले के मुंह पर चार गिरा और ये सारा का सारा हादसा हुआ। हमेशा याद रखें, दुर्घटना की तीन गवाही, अज्ञानता, मूर्खता, लापरवाही। मुझसे भूल हो गई, मुझे पता नहीं था कि मेरी लापरवाही की वजह से इन सब की जान पर बनाएगी। जी, मेरे को आपकी बात बिल्कुल पसंद आई जी, बिल्कुल पसंद आई। आगे से हम भी खुद को स्वस्थ रखेंगे और औरों को भी सुरक्षित रखेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था काबिल बनो काबिल, लेकिन काबिल बनने से पहले सुरक्षित बनो। अब मैं हमेशा हेलमेट लगाऊंगा और कभी रोड पे धूम भी नहीं मचाऊंगा। रक्षा राज जी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम रोड सेफ्टी नियमों का पालन करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। चलो तुम सबको माफ किया मगर एक वादा करो कि दूसरा जीवन लेके तुम दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करोगे। अयो, इनको देख के मेरे को मेरा छोटा छोटा बच्चा याद आ गया जी। मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि इनको इनका जीत के वापस मिल गया जी। दोस्तों, यह एक नाटक था इसलिए शायद नया जीवन देना आसान है लेकिन असल जिंदगी में यह मुमकिन नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। Now it's time to honor the position holder in this competition. लेते हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे भी और करवाएंगे भी। ट्रैफिक नियमों का अपना जीवन धर्म समझ के जिंदगी भर पालन करूंगी। कभी भी गाड़ी या स्कूटर चलाते टाइम मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगी क्योंकि मोबाइल जान भटकाव है और पलक झपकते ही मोबाइल के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटना हो। क्योंकि जिसे बड़े शाने ने कही है दुर्घटना कर देर बनी और कदे भी गलत साइड पे ओवरटेक नहीं करूंगा। और जो तीन बत्ती हैं लाल हरी पीली इनके निर्देशा का पालन करूंगा। तो आओ हम सब मिलकर कसम उठावा कि अपने प्यारे इशार ने दुर्घटना मुक्त इशार बनावांगे। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं 18 जनवरी टू 17 फेब तक जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो जो रोड एक्सीडेंट है वो आज के टाइम में हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे फैमिली फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। तो इस विषय में आप हमारे जो हरियाणा की यूथ है, हमारे हिसारवासी है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम ये मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब सभी रोड मतलब रोड में रोड पर चलते हैं तो सभी नियमों का पालन करना चाहिए, फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए और जो ट्रैफिक की लाइट्स हैं उनका यूज़ करना। रोड पर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? मैम सबसे पहले तो हमें एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और सेकंड थिंग ये है कि हमें सबसे पहले उसे फर्स्ट एड देनी चाहिए क्योंकि हमें डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट किस लेवल का हुआ है, क्योंकि अगर ज़्यादा उस पर डैमेज है तो हमें नॉर्मल सी बात है उसको बचाने के लिए तो सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है। और उसके साथ ही साथ जो भी हमारे पास जैसे कि उसको ब्लड रोकने के लिए हमारे पास कोई कपड़ा है या फिर जो भी चीज़ें फर्स्ट एड में इस्तेमाल होती हैं सबसे पहले हमें वो देनी चाहिए क्योंकि एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा और हमें सबसे पहले तो उसकी जान बचाने के लिए अपने मतलब जो भी हो सके वो उसे सहायता देनी चाहिए।
और सेकंड थिंग है कि जैसी एम्बुलेंस आती है तो हमें नॉर्मली उसको साहस देना चाहिए पेशेंट को कि मतलब उसकी सांस चलती रहे, वो अपनी आंखें बंद ना करे और उसको पानी पिलाते रहो और उसे मतलब ये है उसे बेहोश नहीं होने देना, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे एक्सीडेंट हो चुका है तो उसको खतरा रहता है कि हाँ भी मेरे साथ ये क्या हो गया। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो शौक में चले जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उसे सहानुभूति देनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ से कवर कर सके। और फर्स्ट एड तो हमारी मेन थिंग होती है कि पेशेंट को सबसे पहले हम फर्स्ट एड। वो किन कारणों से होती है? कई बार सड़कों पर ज़्यादातर पशुएं आ जाती है जो जब लोग टर्न करते हैं या फिर जब हम चल रहे होते हैं तो बाइक स्पीड में होती है या फिर हमारा ध्यान नहीं होता है, हम जैसे ही मुड़ते हैं पशु आ जाते हैं या फिर लोग अपना ब्रेक पे भी अपना कंट्रोल नहीं रखते हैं, उनका ध्यान इधर उधर होता है, फ़ोनों पे रहते हैं या फिर ज़्यादातर लड़कियाँ इंडिकेटर राइट दे के लेफ्ट में मुड़ जाती है, वो भी अपना मतलब ब्रेक पे ध्यान नहीं रखती है। सब आजकल स्मार्टफोन्स है तो फिर वो सारे अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स लगा के बातों में ध्यान रखते हैं, सामने ध्यान नहीं रहता है, इधर उधर मतलब जब इधर उधर चलते हैं तो भी ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें राइट साइड चलना चाहिए लेफ्ट साइड चलना चाहिए। और कई बार अचानक से वो चलते चलते अपनी गाड़ी भी रोक देते हैं, जिससे पीछे चलते जो वाहन चल रहे होते हैं उन पर उनका ध्यान नहीं रखते हैं। जो हमारे साइड व्यूज़ मिरर्स है हमें उनका भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए, वो लोग मिरर्स भी हटा देते हैं क्योंकि उनको अपनी सुविधा के अनुसार। तो हमें जो भी हमें व्हीकल चलाते टाइम शुरू की जो प्राइमरी चीज़ें होती है जो हमें समझनी चाहिए यूज़ करनी चाहिए वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है यूज़ करना। तो अगर वो उन पर ध्यान देंगे तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सही हो सकती है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी साधन चलाते हुए ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए और ओवरटेकिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट लगा कर रखना चाहिए। शराब पीकर वाहन नहीं चलानी चाहिए, शराब एक्सीडेंट का कारण बनती है। हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि कहा गया है नजर हटी दुर्घटना घटी, पालन करना चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। जितना आजकल छोटा छोटा बालका ने मोटरसाइकिल साइकिल चलाने खातर स्कूटी चलाने खातर दे देवे है, वे अच्छी तरह चलाना तो उन्ना आवे को नहीं, धक्का करके ले जावे है, फिर घर का उन्हें मना करे तो वे रूस जावे है, रोटी पानी छोड़ देवे है, फिर उन्हें देना पड़े, फिर वे लेके जावे कड़े पड़िया पावे कड़ू चक्के ले आवे। यूं अच्छी है कि भी अच्छी तरह सीख के लाइसेंस बनवा के अच्छी तरह तो चलावे तो फायदों भी ज़्यादा है।